हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह। आज विधानसभा में एक प्रश्न लगा था, उस प्रश्न के उत्तर में ये जवाब आया था कि जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त एमरजेंसी के दौरान जेल में गुजारा, जेल की सलाखों के पीछे, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी करके एक योजना शुरू की थी, और वो योजना सिर्फ योजना ही नहीं है, वो बिल ला करके एक्ट की शेप में हमने उसका पारण किया था और वो एक कानून बना था। उसको बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद एक निर्णय किया गया, और आज जो प्रश्न लगा तो उस प्रश्न के जवाब में भी यही कि इसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या है। हम कांग्रेस के उन मित्रों से ये पूछना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से, क्या आप एमरजेंसी के समर्थन में हैं या विरोध में है? क्योंकि जब एमरजेंसी लगी थी उसकी सबसे बड़ी वजह बनी थी कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव की जो याचिका वो चल रही थी उस पर निर्णय दिया था और उनको उससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, और रद्द होने के पश्चात फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही थी किसी सूरत में। ऐसे में 25 जून को एमरजेंसी की घोषणा की गई रात के अंधेरे में, और हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आज पर्टिकुलरली जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे कि इसमें वो लोग हैं जो आरएसएस के हैं, क्या जॉर्ज फर्नांडिस आरएसएस के थे? क्या उस वक्त के जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी, क्या वो आरएसएस के थे? और शायद मेरे ख्याल में मायावती भी उसमें रही है अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे एक ने अनेकों लोग जो अलग अलग विचारधारा के थे लेकिन लोकतंत्र के हनन के खिलाफ, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जैसे एमरजेंसी लगाई गई उसका विरोध करते हुए जिसने भी आवाज उठाई उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और मीसा डीआईआर के तहत जो है वो उस प्रकार से मामले दर्ज किए गए, हमारे श्री शांता कुमार जी जेल की सलाखों के पीछे रहे, 19 महीने जेल में रहे वो। इसलिए हमने एक निर्णय किया था कि जिन्होंने उस वक्त कठिन दौर में, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में एमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी और इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो एमरजेंसी, और उस वक्त लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त अपनी बात कही थी उनके परिवार, और उसके कारण उनको जो है सजा हुई और सजा के कारण जो है जेल की सलाखों के पीछे बड़े लंबे समय तक उनको रहना पड़ा, तो उनके लिए हमने एक योजना जो शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते, उस योजना के अंतर्गत हमने 20,000 रुपये और 12,000 रुपये उनको माह का देने का निर्णय किया था, और इनकी संख्या लगभग 80 के करीब हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में है क्योंकि अधिकांश तो की मृत्यु हो चुकी है। और ये योजना राजस्थान में भी, ये योजना मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बहुत सारे राज्यों में है। बात ठीक है कि एक शायद मैं कल में राजस्थान में कोर्ट में ये मामला गया है। ऐसे में हमने इस बात को लेकर के आज अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उससे कोई संतोषजनक जवाब तो उसमें मिला नहीं, लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप उस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करने के बाद इस योजना को बहाल करें और सब चीजें बंद करना, क्योंकि वर्तमान सरकार का एक काम करने का तरीका यह है कि सब कुछ बंद करना, और अब तो लोकतंत्र के लिए जिन लोगों ने लड़ाई थी उनके लिए जो थोड़ा सा मानदेय हम देते थे उस मानदेय को भी बंद कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और
इसलिए हमने हाउस के अंदर इस मामले को आज उठाया था।